संजय जी कैसे हैं आप? बस बढ़िया। आज मकर संक्रांति है, क्या कहना चाहेंगे देशवासियों को? चलिए पहले पूरे देशवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज से हमारे समाज में एक नया साल और खरवास के बाद अच्छे शुभ दिन माने जाते हैं, तो हम दुआ करेंगे ऊपर वाले से, भोलेनाथ से, कि सबका दिन अच्छा जाए, जो भी सबकी तमन्नाएं हैं सबका तमन्नाएं पूरी हो। संजय भैया आजकल बहुत ज्यादा एक्टिव रह रहे हैं सोशल मीडिया पे। नहीं, सोशल मीडिया बहुत मैं कम एक्टिव रहता हूँ, आपको लगता है गलत खबर मिल गई। यूट्यूब मीडिया की बात कर रहा हूँ। यूट्यूब मीडिया में आप जैसे भाई लोग प्यार स्नेह दे देते हैं तो मैं आपके बीच आ जाता हूँ, मतलब मैं बहुत कम सोशल मीडिया पे आता हूँ मैं, और जनता के अपने जनता के साथ जुड़ा रहता हूँ। एस फॉर यू इतना जबरदस्त धमाका भोजपुरी में शायद पहले नहीं हुआ होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत पहले भी बहुत सारी कंपनियां हैं, सबका धमाका अच्छा अच्छा हुआ, लेकिन एस फॉर यू भोजपुरी इंटरटेनमेंट जो है, इसके लिए मैं धन्यवाद अपनी प्यारी जनता और वो जो हमारे एस फॉर यू के श्रोता हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे सदस्य हैं हमारे भोजपुरी एस फॉर यू भोजपुरी परिवार के, उन सबको मैं दिल से धन्यवाद आपके माध्यम से देता हूं, क्योंकि उन लोगों ने आज आपको ये क्वेश्चन करने पर मजबूर कर दिया कि एस फॉर यू के प्रति आपने ये क्वेश्चन किया, क्योंकि जनता को ताकत जो हमें मिल रही है, जो प्यार मिल रहा है, उसी का दिन। अभी तक आपके चैनल पे केवल गाने आ रहे हैं, फिल्मों का कोई प्रोग्राम है? बिल्कुल आएंगे। अब क्या होता है कि जब हम शादी करते हैं तो दूसरे दिन ही हम बाप तो बन नहीं जाते, उसके लिए थोड़ा 9 महीने वेट करना पड़ता है कि हमारे पापा को मेरे बच्चे दादा बोले, मम्मी को दादी बोले, तब उसी तरह कभी आप एस फॉर यू भोजपुरी के म्यूजिक का मजा आनंद उठा रहे हैं, आप बहुत जल्द फिल्म का भी आनंद उठाएंगे। अभी अभी सॉन्ग आने वाले कौन से स्टार कास्ट के सॉन्ग आने वाली है आपके? अभी मेरा 17 तारीख को एक सॉन्ग आने वाला है अरविंद अकेला कल्लू जी का, बहुत अच्छा सॉन्ग है, उसमें रानी एक्ट्रेस है, और मुझे लगता है कि जनता का प्यार मुझे इस सॉन्ग पे भी मिलेगा, और बहुत अच्छे अच्छे सभी कोशिश मैं करता हूँ कि सब जो भी हमारे सिंगर हैं सब सिंगर के गाने हमारे एस फॉर यू भोजपुरी पे आए। खेसारी जी के गाने आ चुके हैं, पवन जी के गाने आएंगे उम्मीद करें दर्शक? बिल्कुल, आप तो ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं जैसा लग रहा है कि एस फॉर यू भोजपुरी कल क्लोज होने वाला है, ऐसा क्यों बात कर रहे हैं? हमारे ट्रेडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी, हिट मशीन बोलो, रिकॉर्ड मशीन बोलो, कुछ भी बोलो आप, और 100% अगर उनका गाना आज एस फॉर यू को आपको मजबूर कर दिया है क्वेश्चन करने पे कि इतना बड़ा धमाका किया है एस फॉर यू, तो 100% सैया के रोटी के दिन देन है, जो एक गाना हमने 16 नवंबर को छोड़ा था उसी का देन है कि आज ये क्वेश्चन करने पे आप हमारे मजबूर हैं, समाज की चौथा स्तंभ आप हैं। तो जहां तक रही बात पावर स्टार पवन जी का, तो नो डाउट एस फॉर यू भोजपुरी पे सभी कलाकारों का आएगा, सभी सिंगरों का आएगा। इस बारे में कुछ पवन जी से बातचीत हुई है अभी? पवन जी से मैंने क्लियर तो नहीं बात हुई है, लेकिन एस फॉर यू के मुद्दे पे बात हुई है उनसे, जब उनको मौका मिलेगा, जब उनको टाइम मिलेगा, जब से लगेगा कि नहीं एस फॉर यू भोजपुरी सभी कलाकारों का है, सभी सिंगरों का है, तो सब समय गाना जरूर देंगे हमारे पवन जी। इस बारे में बात नहीं हुई, लेकिन आगे चल के एस फॉर यू पे धमाका पवन जी का होने वाला है? बिल्कुल, अभी बातचीत तो नहीं हुई है मेरी, पिछले मैंने कॉल भी किया था, कॉल पे बात हुई थी, लेकिन वो अपने फिल्म की शूटिंग के व्यस्तता के चलते हम लोग रूबरू नहीं हो पाए। जो दर्शक है, जो श्रोता है, दर्शक होते हैं सिनेमा वाले, श्रोता होते हैं जो एल्बम की दुनिया वाले, तो वो कहीं आपस में बट ना जाए कि कुछ जो दर्शक होते हैं पवन जी को पसंद करते हैं, कुछ दर्शक जो है खेसारी जी को पसंद करते हैं, और शायद आपका चैनल ऐसा हो कि दोनों का सिंगर का गाना आपके चैनल पे आए। नहीं, हमारे चैनल ऐसा चैनल है कि सबके गाने आएंगे, और दर्शक और श्रोता जो आपने अभी विभाजन किया, ये विभाजन समाज की चौथा स्तंभ मीडिया कर सकती है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि जो जनता, जो श्रोता है, जो फिल्मी दर्शक हैं या एल्बम के जो आपने श्रोता बोला, सब सेम हैं और सब लोग एक दूसरे के गाने को पसंद करते हैं। सिर्फ हमें लगता है कि ये बुरा नहीं मानना, आप जैसे हमारे जो प्यारे भाई हैं सिर्फ इसको बंटवारा कर दिए हैं कि ये पावर स्टार हैं तो ये हमारे हिट मशीन है, ऐसे कर दिए हैं सिर्फ आप लोग। संजय जी, मुझे पता है कि आप इस शब्दों को नहीं आने देंगे, इसको आप कटिंग करके ही आप यूट्यूब पे छोड़ेंगे। हमारे चैनल पे कोई भी न्यूज कटिंग नहीं होता, लेकिन कहने का तात्पर्य है
कौन है, एक आके आपने आपको बोलता है मैं पावर स्टार हूँ, एक आके अपने बोलता हूँ मैं ट्रेनिंग स्टार, तो श्रोता तो वही बढ़ जाते हैं ना। अच्छा पावर स्टार खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के मुंह से आप सुने हैं? हम पावर पिछले दिन स्टेज शो पे हुआ, जनता उनके फैंस के मुंह से आप सुने हैं? खेसारी लाल यादव हिट मशीन, रिकॉर्ड मशीन, नो डाउट डिजर्व करता है बंदा। अगर आज ग्लोबल में ट्रेंडिंग में चलता है तो अगर ये उसके फैंस बोलते हैं ना कि खेसारी लाल यादव जी बोलते हैं। खेसारी यादव जी जरूर बोलते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि मैं बम छोड़ू म्यूजिक में गाने में, ऐसा नहीं कि वो अपने जुबान से आकर ऐसे लोग बोलते हैं, सब लोग अपने अपने जगह पे। चले इन दोनों से लिख के हट के बात किया, दिनेश जी से कुछ बात हुई कि नहीं गाने के बारे में? हाँ दिनेश जी से झूठ मैं बोलता नहीं, दिनेश से अभी मेरी इस मुद्दे पे बात नहीं, क्योंकि दिनेश जी लगातार फिल्म में व्यस्त हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अभी जो यूपी का माहौल है, जो वहाँ का जो चुनावी प्रक्रिया, जो संग्राम चल रहा है, उस संग्राम में व्यस्त हैं और बहुत जल्द उनसे भी मेरी इस मुद्दे पे बात होगी और 100% का भी है। और बाकी सिंगर की बात की जाए, जैसे गुंजन जी का भी गाने आपका वीडियो देखा हुआ है, शूट किया हुआ है, और कुछ नए स्टार जो हैं जो आपसे संपर्क कैसे करें, जो अभी एल्बम की दुनिया में कदम रख रहे हैं? नहीं वो तो मैंने पहले भी बोला है कि जो अंतिम पंक्ति में जो सिंगर हमारा है, जो किसी अभाव के चलते उसके अच्छे प्लेटफॉर्म उसको नहीं मिल पा रहे हैं, अगर उनके पास अच्छे सॉन्ग हैं तो मैंने मेरा एक ट्रेड इंक्वायरी नंबर चलता है जिस मुन्ना मोहित जी का है, और मुझे लगता है कि उस नंबर पर कॉल करके संपर्क किया जा सकता है। वीडियो बनाने का काम मेरा है, एस4ई वीडियो बनवाएगी, अगर उनके अंदर कुछ जज्बा है आगे करने का तो एस4ई भोजपुरी उनके साथ खड़ी है। अप्रोक्स 5 से 6 महीने हो गया चैनल ओपन किए हुए, हिट मशीन ट्रेडिंग स्टार खेसारी जी भी आए थे, क्या उम्मीद करें एस4ई में पवन जी की भी एंट्री हो जाएगी? अब सबसे बड़ा ये क्वेश्चन ही थोड़ा देख लिया, मुझे गलत लगा क्यों, जिस दिन मेरा ये ओपनिंग हुआ था उस दिन हमारे टनाटन भोजपुरिया और जो भी सब लोग हैं आप सब भी मौजूद थे। 18 अक्टूबर, अभी 6 महीना कहा हुआ, अभी तो 2 महीना हुआ, 3 महीना हुआ, सॉरी 3 महीना हुआ, तो स्वाभाविक है कि अभी 3 महीना हुआ है सर। मुझे लगता है कि 100% आप बार बार जो मुद्दा पवन जी का दे रहे हैं, पवन जी के गाना क्यों नहीं आएगा इस पूरे भोजपुरी, उनका भी आएगा और 100% आएगा। चले जो जाते जाते आपके चाहने वाले हैं उनसे आप क्या कहेंगे, और साथ ही साथ कैसे आपसे संपर्क करें वो पूरा डिटेल बताएं दर्शकों को। देखिए सबसे पहले मैं जितने भी हमारे इस चैनल के माध्यम से हमें लोग जो देख रहे हैं जो सुन रहे हैं उनको मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ एस4ई भोजपुरी की तरफ से, कि जो आप लोगों ने जो प्यार जो मोहब्बत एस4ई भोजपुरी पर जो बसा रहे हैं उसके लिए दिल से सैल्यूट आपको। और जहां तक रही बात जो भी सिंगर अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं एस4ई भोजपुरी के यूट्यूब चैनल के तरफ, नहीं झुका हो पा रही है या नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अगर आपके पास अच्छे कला है और अच्छे जज्बा है तो हमारा ट्रेड इंक्वायरी नंबर चलता है, हर पोस्टर पे हर गाने पे एक ट्रेड इंक्वायरी नंबर है, उस नंबर पे आप संपर्क करिए, मुन्ना मोहित जी जो राइटर है उनका नंबर है, आप उनसे संपर्क करिए, और आपके पास अच्छे सॉन्ग हैं तो अच्छे वीडियो बनाने का काम एस4ई भोजपुरी जरूर करेगी और आपको अच्छे प्लेटफॉर्म पे लेके आने की कोशिश जरूर करेगी। धन्यवाद। थैंक यू सर।